हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम फीमेल्स की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इरेगुलर मेंसेस या जिसे हम अनियमित मासिक चक्र कहते हैं के बारे में बात करेंगे कि इरेगुलर मेंसेस क्या होते हैं, इनके कॉज क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं और होम्योपैथी में इसकी कौन कौन सी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल आइकन का बटन है जिसे आप टैप करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इरेगुलर मेंसेस आज की डेट में फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। मोस्टली जो महिलाएं होती है वो आज इरेगुलर मेंसेस की समस्या से सफ़र करती हैं। मेंसेस की इरेगुलरिटी को जानने से पहले हमें मेंसेस की रेगुलरिटी यानी एक नियमित मासिक चक्र कितने दिनों का होता है ये हमें जानना आवश्यक है। तो अगर एक नॉर्मल मेंसुरेशन साइकिल देखें तो वो 28 डेज़ का होता है, बट अगर 28 डेज़ के वन वीक पहले या 28 डेज़ के वन वीक बाद में अगर पीरियड्स आ रहा है तो भी इसे हम रेगुलर पीरियड्स ही कहते हैं, क्योंकि जो एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 21 डेज से लेकर के 35 डेज तक का एक मेंसुरेशन साइकिल होता है, बट अगर इस अंतराल के पहले या बाद में पीरियड्स आ रहा है तो इसे हम इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। जैसे 21 डेज के पहले पीरियड्स आना या 35 डेज के बाद में पीरियड्स आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 21 डेज के पहले आ रहा है, एवरी 15-15 डेज में मेंसेस आपके रिपीट हो रहे हैं तो आप इसे इरेगुलर मेंसेस कहेंगे, और अगर 35 डेज के बाद में पीरियड्स आ रहा है, जैसे आपका वन मंथ स्किप हो गया उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपका पीरियड्स आ रहा है तो भी आप इसे इरेगुलर मेंसेस कहते हैं। देन अब हम बात करते हैं इरेगुलर मेंसेस के कॉजेस के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मेंसेस जो है वो इरेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट कॉज है वजन का अचानक से बढ़ना या अचानक से कम होना। अगर आपका वज़न अचानक से बढ़ जाता है या वज़न अचानक से कम हो जाता है तो भी इस वजह से आपके मेंसेस इरेगुलर होने के चांसेस होते हैं। अगर आप बहुत अधिक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा है तो आपको मेंसेस की इरेगुलरिटी के चांसेस रहेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, भोजन में पोषक तत्वों की कमी की वजह से, अगर स्लीप डिस्टर्ब है, अगर आपकी प्रॉपर जो रूटीन है वो नहीं है तो इस वजह से भी मेंसेस इरेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। वो महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हैं उनके भी मेंसेस जो है वो इरेगुलर हों ऐसे चांसेस होते हैं। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उस टाइम भी, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी इरेगुलर मेंसेस होने के चांसेस रहते हैं। थायराइड के केस में, खास करके जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली महिलाएं रहती हैं उनमें, और जो डायबिटिक लेडी हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मेंसेस के इरेगुलरिटी के। अगर जो एनीमिक हैं, जो एनीमिया वाली जो फीमेल्स हैं उनको भी चांसेस होते हैं मेंसेस की इरेगुलरिटी के। देन अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि इरेगुलर मेंसेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर 21 डेज़ के पहले या 35 डेज़ के बाद में आपका अगर मेंसेस आता है तो उसको आप इरेगुलर मेंसेस कहेंगे। अगर आपका मेंसेस जो है वो गैप में आ रहा है, जैसे 2-3 मंथ गैप के बाद आपका जो नेक्स्ट जो मेंसेस है वो आ रहा है तो भी आप इसे इरेगुलर मेंसेस कहते हैं। अगर मेंसेस का फ्लो बहुत ज़्यादा है या बहुत ही कम है तो आप इसको इरेगुलर मेंसेस कहेंगे। अगर आपको पीरियड्स के समय में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐठन हो रहा है, दस्त की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी आप इसे नॉर्मल नहीं कह सकते, ये भी इरेगुलर ही होगा। अगर आपको मेंसेस 7-8 दिन लगातार आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है तो भी आप इसे इरेगुलर मेंसेस ही कहते हैं। देन अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इरेगुलर मेंसेस की होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथी इरेगुलर मेंसेस की समस्या में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप होम्योपैथी मेडिसिन का जरूर यूज़ करें। इसकी फर्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया जो है वो इरेगुलर मेंसेस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, चाहे वो मीनोरेजिया हो, चाहे वो मेट्रोरेजिया हो, चाहे वो एमिनोरिया हो, सारे केसेस में सीपिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो सीपिया की लेडी होती है वो बहुत लीन थिन होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। उसके अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, अपने ही परिवार वालों के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन होती है, यानी उसको ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली में कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता, वो अपने आप को बिल्कुल भी लोनली फील करती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इस तरीके का वो फील करेगी तो हम उस लेडी को सीपिया प्रिस्क्राइब करेंगे। सीपिया 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार यूज़ करना है, 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन सेकेंड मेडिसिन होती है पल्साटिला।
पल्साटीला भी इरेगुलर मेंसेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको लेट मेंसेस आ रहे हैं, जैसे 2-3 मंथ के गैप में अगर आपको मेंसेस आ रहे हैं और जब भी मेंसेस आ रहा है तो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा कम है, स्केंटी है, तो पल्साटीला उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पल्साटीला भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 2 बार डायरेक्टली टंग में। देन थर्ड मेडिसिन है जे अशोका का मदर टिंचर, यानी जोनसिया अशोका का मदर टिंचर। इस मदर टिंचर को हम एज ए यूट्राइन टॉनिक भी यूज़ करते हैं। यूट्रस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो यूट्रस की जो भी इरेगुलरिटी है, उसको ये मदर टिंचर जो है वो दूर कर देता है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इरेगुलर मेंसेस के केस में, है तो आप इसका ज़रूर यूज़ करें। इस मदर टिंचर को आपको दिन में 2 बार लेना है, आधे कप गुनगुने पानी में 15-15 बूंद लेना है और धीरे धीरे करके पी लेना है। देन उसके बाद मेडिसिन आती है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 15। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 15 इरेगुलर मेंसेस की समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको आपको दिन में 3 बार यूज़ करना है, सुबह, दोपहर और शाम को 4-4 टैबलेट्स यूज़ करना है। आपको चाप कर नहीं खाना है, चू करके खाना है इसको। तो ये सारी मेडिसिन आपके इरेगुलर मेंसेस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जो ऊपर की 2 मेडिसिन है सीपिया और पल्साटीला, इसको आपको अपने सिम्टम्स से मैच करते हुए लेना है। अगर आपके सिम्टम्स सीपिया से मैच करते हैं तो आपको सीपिया लेना है, और अगर आपके सिम्टम्स पल्साटीला से मैच करते हैं तो पल्साटीला लेना है। और जो नीचे की 2 मेडिसिन है, यानी जो मदर टिंचर है और जो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों आपको उस मेडिसिन के साथ कंटिन्यू करना है, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।